बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, गुरु की महिमा को कौन जान सकता है? गुरु की गति का पार नहीं पाया जा सकता। सतगुरु अंतर्यामी है। गुरु को अपने शिष्य अपने सगे बच्चों से भी अधिक प्यारे लगते हैं। शिष्यों के बाल बच्चे तो सांसारिक धन दौलत के हकदार होते हैं, जबकि सत्संगी अपने गुरु के रूहानी दौलत के हकदार होते हैं। गुरु अगम अगोचर होते हैं, जानी जान होते हैं। वे वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है, किंतु हम गुरु की महिमा को नहीं जान सकते। गुरु की महिमा को कोई नहीं जान सका है। गुरु की महिमा अपरंपार है। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि एक संत के पास 30 सेवक रहते थे। एक सेवक ने गुरु जी के आगे अरदास की, महाराज जी, मेरी बहन की शादी है तो आज से 1 महीना रह गया, तो मैं 10 दिन के लिए वहां जाऊंगा और आप कृपा करें, आप भी साथ चलें तो अच्छी बात है। संत महापुरुष जानी जान होते हैं। सतगुरु देव ने कहा कि बेटा, देखो यह समय बताएगा, नहीं तो तेरे को हम जाने देंगे, हमारा कुछ पता नहीं है। उस मालिक की मौज होगी तो हम भी चल सकेंगे। उस सेवक ने बीच बीच में इशारा सतगुरुदेव जी की तरफ किया कि गुरु जी कुछ ना कुछ मेरी मदद कर दे, कुछ पैसे मुझे दिलवा दे ताकि अपनी बहन की शादी मैं करवा सकूं। आखिर वह दिन आ गया। सेवक ने कहा, गुरुजी मैं कल सुबह जाऊंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम सुबह चले जाना। सुबह हो गई, जब सेवक जाने लगा तो गुरुजी ने उसे 5 किलो अनार दे दिए और कहा कि जा ले जा, भगवान तेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। दुनिया याद रखेगी कि ऐसी शादी तो हमने कभी नहीं देखी। और उसके साथ 2 सेवक भी भेज दिए, उनसे कहा कि जाओ तुम शादी पूरी करके आना। जब सेवक घर से निकले, गुरु दरबार से गए तो उनके मन में आया कि जिसकी बहन की शादी थी वह सेवक से बोला कि गुरु जी को सब पता था कि बहन की शादी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरु जी ने मदद नहीं की। अब रास्ते में पैदल चलते चलते 2 दिन के बाद अपने घर पहुंच गया। उनका घर एक रेतीले इलाके में था, वहां कोई फसल नहीं होती थी। वहां के राजा, उनकी लड़की बीमार हो गई। राज वैद्य ने बताया कि इस लड़की को अनार के साथ यह दवाई दी जाए तो यह लड़की ठीक हो जाएगी, नहीं तो इसकी मृत्यु निश्चित है।
अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि अगर किसी के पास अनार हैं तो राजा उसे बहुत इनाम देंगे। इधर मुनादी वाले ने आवाज लगाई, अगर किसी के पास अनार हैं तो जल्दी आ जाओ, राजा को अनारों की सख्त जरूरत है। जब यह आवाज उन सेवकों के कानों में पड़ी तो वह सेवक उस मुनादी वाले के पास चले गए और कहा कि हमारे पास अनार हैं, चलो राजा जी के पास चलते हैं। उन्होंने जाकर राजा जी को अनार दे दिए। अनार का जूस निकाला गया, लड़की को दवाई दे दी गई तो लड़की ठीक हो गई। राजा ने पूछा, तुम कहां से आए हो? तो उसने सारी हकीकत बता दी और राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी मैं करूंगा। राजा जी ने हुक्म दिया कि ऐसी शादी होनी चाहिए कि लोग यह कहें कि यह राजा की लड़की की शादी है। सब बारातियों को सोने चांदी गहने उपहार में दिए गए। बारात की सेवा बहुत अच्छी हुई, लड़की को बहुत धन दिया गया। लड़की के माँ बाप को बहुत ही जमीन जायदाद, आलीशान मकान और बहुत सारे रुपए पैसे दिए। लड़की भी राजी खुशी से विदा होकर चली गई। अब सेवक सोच रहे थे कि गुरु की महिमा गुरु ही जाने, हम ना जाने क्या क्या सोच रहे थे, गुरु जी के बारे में क्या क्या विचार लगाए। गुरु जी के वचन थे कि जा बेटा, तेरी बहन की शादी ऐसी होगी कि दुनिया याद रखेगी। संत वचन हमेशा अटल होते हैं, संतों के वचन के अंदर ताकत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। जो भी वह वचन निकालते हैं वह सिद्ध हो जाता है। हमें संतों के वचनों के ऊपर अमल करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। न जाने संत मौज में आकर हमें क्या दे दे, वे हमें रंग से राजा बना दे। सतगुरु देव दयालु हैं, कृपालु हैं, उनके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। हम अपने सतगुरु देव पर पूर्ण विश्वास नहीं करते और बिना विश्वास के हम उसके पात्र नहीं बन पाते। हमें कृपा पात्र बनने के लिए, हमें कृपा प्राप्त करने के लिए पहले उस कृपा के लायक बनना पड़ेगा। हम गुरु दरबार में जाकर भी दुनिया की वस्तु मांगने लग जाते हैं। हमें गुरु की अहमियत का पता नहीं है। हमें गुरु से गुरु की ही मांग कीजिए, क्योंकि जब वे आपको ये बख्शीश कर देते हैं तो उनके साथ ही सारी चीजें मिल जाती हैं। गुरु एक तेज है जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही अनहद नाद सुनने शुरू हो जाते हैं। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही भय समाप्त हो जाता है। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो भव सागर से पार हो जाते हैं। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राण से बहती है। गुरु वो सत्य चित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है।
गुरु वो बांसुरी है जिसके बजते ही मन और शरीर आनंद अनुभव करता है। गुरु वो अमृत है जिसे पीकर कोई कभी प्यासा नहीं रहता। गुरु वो कृपा है जो सिर्फ कुछ सदशिष्यों को विशेष रूप में मिलती है और कुछ पाकर भी नहीं समझ पाते हैं। गुरु वो खजाना है जो अनमोल है। गुरु वो प्रसाद है जिसके भाग्य में हो उसे कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सतगुरु प्रेमियों, हर घड़ी हर पल हर समय सतगुरु देव अपना मनाइए, पहले गुरु मनाइए। जिसका गुरु मान गया, जिन्होंने अपने इष्ट देव श्री सतगुरु देव चरणों का ध्यान कर लिया, उसके किसी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती। केवल सतगुरु ही हमें भव सागर से पार ले जाने वाले हैं। सतगुरु देव ही हमारे पिता हैं, सतगुरु ही हमारी माता है। आज विशेष पर्व गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्ण माँ, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, उसी प्रकार गुरु एक पूर्ण माँ है। सच्ची माँ वही है, वह हर समय अपने गुरुमुख की हिफाजत करते हैं, रूहानियत की दौलत बख्शते हैं, भव सागर से पार ले जाते हैं। तो सतगुरु प्रेमियों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रेमियों, यह था आज का सत्संग। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।